हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग्स रिस्क के डे 123 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग का स्पेशल मैट टेस्ट चल रहा है पटना में। जो लोग पटना से हैं, इस टेस्ट का पार्ट बन सकते हैं। बीएससी एकेडमी में ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो, आज का सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने इसे बेसिक से बनाया था। इसे देखो, मैं रेशियो से बताता हूँ ये रेशियो से कैसे बनेगा, और फिर बेसिक तो खुद ब खुद डिराइव हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है सवाल में। अनन्या हैज़ टू कास्क ए एंड बी, ठीक है, बोथ कंटेनिंग स्पिरिट ऑफ कितना, 40%। तो अगर स्पिरिट 40% होगा तो रेस्ट ऑफ द जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, दोनों ही कंटेनर में क्या होगी, 60%। ठीक है, यानी कि अगर ए का बात करें हम लोग और बी का बात करना है, ठीक है, तो स्पिरिट अगर मान लो वाटर या कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वाटर मान लिया, तो ये जब 40% होगा तो ये कितना होगा, 60%, और इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, 2:3। ठीक है, अनन्या एडेड सम प्योर स्पिरिट टू ए, ठीक है, ए में कुछ प्योर स्पिरिट उसने ऐड किया टू ब्रिंग द कंसंट्रेशन टू 50%। कंसंट्रेशन को कितना पिलाने के लिए, 50% पिलाने के लिए। तो 50% का मतलब क्या है हमारा, दोनों बराबर मात्रा में हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों बराबर मात्रा में जब हो जाएंगी, 50% यानी स्पिरिट हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा हमारा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो 50% जब स्पिरिट हो जाएगा, 50% हमारा वाटर हो जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1। ठीक है, यानी उसे बनाना था वो 1:1 में। ठीक है, उसमें क्या किया था, स्पिरिट ऐड किया था, तो वाटर जो होगा इसमें, वाटर क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे वाटर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या करना होगा, इसे इक्वल इक्वल करने के लिए इसे जब 3 से गुना करूंगा तो इसे भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि रेशियो बदल के क्या हो जाएगा, 3:3 में। तो यहाँ पे आप देखो, जो 2 से 3 इंक्रीज किया है, ये कितना इंक्रीज किया है, 1 यूनिट इंक्रीज किया है। ठीक है, कितना इंक्रीज किया है, 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है। फ्रॉम बी अनन्या टूक आउट सम क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन उसने बी से निकाल लिया, तो बी में हमारा कितना था, बी में भी वही रेशियो में था स्पिरिट और वाटर, कितना में था, 2:3 में। उसमें से उसने क्या किया कि कुछ क्वांटिटी निकाल लिया, तो इसमें से जब उसने एक्स लीटर निकाला होगा तो हमें मालूम है मिक्सचर की जो रेशियो होती है वो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि रेशियो अभी भी हमारा कितना है, 2:3 है। ठीक है, फिर क्या बोल रही है, एंड रिप्लेस्ड इट विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्योर स्पिरिट, यानी कि एक्स लीटर मिक्सचर निकाली और एक्स लीटर ही क्या डाल रही है, स्पिरिट डाल दे रही है, और इस तरीके से कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, 50%, यानी 50% का मतलब क्या हो गया, 1:1। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब इस इक्वेशन के बाद, यहाँ ये 2:3 के बाद यहाँ जो जा रही है ये क्या हो रही है, हमारा स्पिरिट ऐड हो रहा है, वाटर तो हमारा इक्वल होना चाहिए, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3:3 से मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा, 3:3। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो स्पिरिट तुम्हारा ऐड हुआ, ये ऐड हुआ 1 यूनिट, और इसी को हम लोग, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, और एक्स लीटर हम क्या किए होंगे, ऐड किए होंगे। ठीक है, क्या किए होंगे, और एक्स लीटर हम लोग क्या किए होंगे, ऐड किए होंगे, क्योंकि क्या बोला था हमारा सवाल में, सवाल को ध्यान से समझना, कि एक्स लीटर निकाल रहा है और एक्स लीटर ही क्या कर रहा है, डाल रहा है। ठीक है, लेकिन यूनिट बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो यहां से यहां का जो इंक्रीज है ये 3 है। ठीक है, यूनिट बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कितने का इंक्रीज कर रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान से समझो, आगे क्या दिए हुए, कुछ क्वांटिटी वगैरह दिए होगा, पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पिरिट एडेड इन बी एंड ए। ठीक है, बी और ए का जो रेशियो आपको बताना है, जो स्पिरिट आपने ऐड किया था, तो यहाँ पे आपने 1 यूनिट ऐड किया था, यहाँ पे आपने एक्स लीटर ऐड किया था। ठीक है, इसी का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, लेकिन बी से ए बताना है, पहले ऊपर एक्स, नीचे क्या, 1 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है, इफ द क्वांटिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो क्या, 1:2, यानी ए और बी का जो रेशियो है वो है 1:2। तो 1:2 है, इसे हम लोग थोड़ा देर के लिए बोल सकते हैं कि अगर ए हमारा 5 लीटर होगा तो बी कितना होगा, 10 लीटर, इसको मान लेना है, सिर्फ मानना है। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो फिर हमारी रेशियो में आ जाएगी। ए जब 5 लीटर है हमारा, बी हमारा कितना है, 10 लीटर, तो पहले ए में देखते हैं उसने कितना ऐड किया। यहाँ पे देखो, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितना है, 3 × 2 = 5, यानी 5 यूनिट का जो मान है हमारा वो दिए हुए है कितना, 5 लीटर। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा हमारा, 1 लीटर। हमने 1 यूनिट ही जानना था कि हमने 1 लीटर उस समय क्या किया है, स्पिरिट ऐड किया है, अगर ये 5 लीटर है तो।
ठीक है। अब बी में आते हैं, बी में हमारा कितना है 10 लीटर है, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग करेंगे 3, 2, 5 यूनिट, 5 यूनिट किसके बराबर होगा 10 लीटर। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो देखो सवाल को समझो, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को इसी सीक्वेंस में हमें समझना है कि जब इसमें 10 लीटर था, ठीक है, उसमें से हमने एक्स लीटर निकाल लिया, मान लो 10 लीटर था उसमें से तुमने 2 लीटर पूरा पूरी मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है, और फिर क्या किया उसने, तुमने क्या किया उसने, उसमें 2 लीटर और स्प्रिट डाल दिया, तो क्या ये क्वांटिटी बदल गई? टोटल क्वांटिटी तो 10 की 10 लीटर ही है, ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी नहीं बदली। तो ऊपर 10 लीटर था, यहाँ पे एक्स लीटर निकाला, कुछ आया होगा 10 - x, फिर तुमने क्या किया, यहाँ से आगे जब बढ़े तो तुमने एक्स लीटर फिर डाल दिया, तो यहाँ पे आके फिर ये क्या हो गया हमारा 10 लीटर हो गया। मतलब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको रिवर्स में कि 3 + 3 यानी कि 6 यूनिट का जो मान है हमारा, ये भी जो है हमारा 10 लीटर के बराबर है। 6 यूनिट का मान क्या है हमारा, 10 लीटर के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 10/6 लीटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 5 और कितना 3, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने ऐड क्या कर रखा था, 1 यूनिट ही ऐड कर रखा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल गई हमारी 5/3 लीटर। अब हमें क्या पूछ रहा था सवाल में कि बी का ए के साथ रेशियो बताना है कि आपने कितना कितना स्प्रिट ऐड किया। तो बी में हम लोगों ने कितना ऐड किया, 5/3 लीटर, वो ए में हम लोगों ने कितना ऐड किया, 1 लीटर, ठीक है। अब इसी का हमें रेशियो निकालना है, यानी क्या हो जाएगा 5/3 और रेशियो में हम लोग लिख देंगे 5 / 3 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस सवाल को ध्यान से तक समझो कि हम ऊपर भी कर सकते हैं ये वाला काम और यहाँ हम लोग नीचे भी कर सकते हैं यूनिट बेसिस पे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है हमारा यहाँ पे करने में कि जब ऊपर से हम लोग करेंगे तो हम लोग कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट इक्वेशन जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो 10 - x हो जाएगा, फिर यहाँ पे x डालेंगे तो यहाँ पे 10 - x + में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी लिटरली हमारा ये x कट के तो ये यहाँ तक की क्वांटिटी तो फिर 10 लीटर की 10 लीटर ही हो गई, ठीक है। तो हम लोग रिवर्स गियर में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा और हमें सीधा सीधी किसका मान जानना है, 1 यूनिट का ही मान जानना है, ठीक है। चलो होप आप लोगों को ये क्लियर होगा।